ये वीडियो देखना है। ये हमारा शो है चाय पे चर्चा। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा स्कूल, कॉलेज और जॉब तक का सफर। ओके, तो बिना स्किप किए आप ये वीडियो पूरा देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारा स्कूल का लाइफ, कॉलेज और जॉब तक का, जो मैंने आपको बताया। अब स्कूल में जाना अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं। कॉलेज में जाना भी अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं। सबसे बोरिंग क्या है बताइए, बताइए। यस, एग्जाम्स, एग्जाम्स और उसके डेज। ओके, जो एकदम एक्सलेंट होते हैं स्टूडेंट्स, जो इंटेलिजेंट होते हैं, जिनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनके लिए ये नहीं है। ये है मेरे जैसे स्टूडेंट्स के लिए, जो सिर्फ पासिंग मार्क लाते हैं। एग्जाम्स मतलब बोर लगता है। तो मैं आपको बताती हूँ, जब हम स्कूल में थे तो हमारे पेरेंट्स, कोई भी घर आए, गेस्ट्स आए घर पे और हमारे एग्जाम्स हैं, तो क्या बोलते थे? नहीं नहीं, तुम्हारा क्या काम है, तुम जाओ पढ़ो, अपनी जगह में बैठो और पढ़ो। उसके बाद मान लो कि घर में कोई टीवी सीरियल स्टार्ट हुआ, और उस समय बच्चों की हैबिट रहती है पेरेंट्स के साथ बैठ के सीरियल्स देखने की, डेली सोप देखने की। फिर मम्मा आधे घंटे का दे दो ना ब्रेक, 15 मिनट्स का दे दो ना, नहीं नहीं 10 मिनट्स का। सुबह से तो पढ़, चुप रहो, चिंटू को देखो, पढ़ के खेल रहा है वो। क्यों खेल रहा है? क्योंकि वो पहले से पढ़ लेता है, तुम्हारे जैसा नहीं है, जाके पढ़ो। सिर्फ एग्जाम्स के साथ पास तो पढ़ते हो, एग्जाम्स के बाद देख लेना जितना टीवी देखना है, पासिंग मार्क तो आते हैं तुमको, अब टीवी देखोगे तो वो भी नहीं आएगा, चुपचाप जाके पढ़ो। तब हम क्या सोचते हैं बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते, कि कब हम बड़े होंगे, कब हम जॉब करेंगे, ये स्कूल और कॉलेज से कब हम दूर जाएंगे, एग्जाम से। फिर से बोल रही हूँ, स्कूल कॉलेज डेज तो बहुत अच्छे रहते हैं, स्पेशली स्कूल डेज। फिर वो हो गया, हम बड़े हो गए, हमें जॉब लग गया, हम एंजॉय करने लगते हैं, स्पेशली सैटरडे संडे मॉल्स घूमो, फ्रेंड्स से चिल आउट करो और पार्टीज में जाओ, सैटरडे नाइट्स मूवीज देखो, सब ऐसे टाइम पास ऑन हो गया। फिर हमारी हो गई वेडिंग, वेडिंग हो गई। वेडिंग होने के बाद क्या हुआ? ऑब्वियसली बच्चे हो गए, बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए, चले गए नर्सरी, LKG, UKG। तब एक्चुअल पेरेंट्स का स्ट्रगल होता है, लेकिन लोग बोलते हैं अभी तो छोटा क्लास है, इट्स ओके, हो जाए। ऐसा नहीं है, जिनको भी पता है सबसे मेन LKG, उसके बाद सॉरी नर्सरी, उसके बाद LKG, जो ए लिखो बेटा, ए 4 लाइन का बुक है, कैपिटल ए, पहले स्लैंटिंग, फिर स्लैंटिंग, फिर स्लीपिंग। और आजकल तो बच्चों को सबसे स्लैंटिंग फर्स्ट सिखाते हैं, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, हाफ सर्कल, फुल सर्कल, फिर ये सिखाते हैं, फिर हम भी सिखाने लगते हैं, तो हमें पागल हो जाना पड़ता है, लेकिन बच्चे सुनते नहीं है, कभी कभी तो हम झापड़ भी मार देते हैं गुस्से में। उसके बाद एक्चुअल स्ट्रगल स्टार्ट होता हमारा, जब बच्चे आ जाते फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड्स में। अगर आपने डाल दिया अपने बच्चे को ICSE बोर्ड में, तो मान लीजिए कि आपका गया चैन डस्टबिन में। आप एकदम बिजी, ऑफिस में बिजी, घर के काम में बिजी, उसके बाद बच्चों के साथ पढ़ाने में बिजी। जब उनके एग्जाम्स आए, स्पेशली इंग्लिश एग्जाम, और आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, तो बताइए क्या होगा? सही गेस किया, गुस्सा आएगा, यार अभी क्यों आ रहे, बच्चों के एग्जाम्स है यार, कल तो इंग्लिश है, इंग्लिश में इंग्लिश का टेस्ट बुक पढ़ाना पड़ता है, लेसन्स, क्वेश्चन आंसर्स, ग्रामर, रैपिड रीडर, क्यों यार क्यों आ रहे हैं। ओके, फिर बच्चे को तुम पढ़ो, तुम हिलना नहीं, तुम ये मत करना, तुम प्लीज आना मत, गेस्ट के साथ तुम्हारा क्या काम है, तुम छोटे हो, तुम्हारे अपने स्टडीज पे ध्यान दो। फिर हो गया है, ठीक है चलो, ये हमने पास ऑन कर दिया। उसके बाद मान लीजिए एग्जाम्स हो रहे हो रहे हो रहे, और एक दिन आया आपका हिंदी का एग्जाम, और आया उसी दिन शाम को, नेक्स्ट डे हिंदी का एग्जाम, और उसी दिन आपको देखना है इंडिया पाकिस्तान का मैच, तो सोचो आपकी क्या हालत होगी। टॉयलेट में जाएंगे, कमोड में बैठेंगे और सोचते रहेंगे, यार इंडिया पाकिस्तान का मैच है, एक्साइटेड तो हूँ देखने के लिए, लेकिन कैसे देखूँ मैं, कैसे, बच्चे का एग्जाम है वो भी हिंदी। अरे हिंदी में तो हम लोग डरते नहीं थे, आजकल के बच्चे क्यों डरते हैं बताइए? क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं हमारे बच्चे ICSE में ही पढ़े हैं, प्लस उसके बाद और क्या हो, इंग्लिश मीडियम, तो इंग्लिश ठीक है स्कूल में बात करते हैं ओके, लेकिन नहीं घर में भी, घर में भी हम स्टार्ट कर देते हैं बात करना, क्या, अरे कम कम कम, हाउ वाज योर डे टुडे, प्लीज कीप योर शू प्रॉपरली, कीप योर बैग इन द कबोर्ड, एंड प्लीज मेक श्योर यू हैव टू कीप योर
डे ऐसे करके। तो मतलब इंग्लिश तो है उधर स्कूल में, घर पे भी तो बच्चे को आजकल हिंदी तो आता ही नहीं है। छोटे छोटे वो जो ये जो क्या रसगुल्ला को भी बोलते हैं रसबुल्ला, देखिए आप नोटिस कीजिए, क्योंकि उनको आता ही नहीं है हिंदी वर्ड्स बहुत सारे। और स्पेशली आजकल के बच्चों को ये नहीं पता होता है जो वर्ड बोल रहे हैं वो इंग्लिश है या हिंदी है। इंग्लिश ही बोलते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं चलता ये वर्ड हिंदी में क्या बोलते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ही ऐसे ट्रीट करते हैं। तो ऑब्वियसली मुश्किल तो होगा हिंदी के एग्जाम्स में, मात्राएं हैं, हिंदी वर्ड्स है, और 24/7 लोग पूछते रहते हैं ये क्या होता है वो। अरे फिर हमारे ध्यान में आता है, अरे तुमको ये नहीं पता, ये नहीं पता, ऐसे कैसे हो सकता है। देन ऑल्सो वी डोंट रियलाइज कि वी आर नॉट टीचिंग देम अवर लैंग्वेजेस, जो भी हमारा मदर टंग है, पंजाबी, गुजराती, मराठी, साउथ इंडियन या हिंदी, हम उनको सिखाते ही नहीं है। ओनली वन लैंग्वेज, दैट इज इंग्लिश। थोड़े बहुत बड़े होते हैं फिर हम उनको सिखाने लगते हैं फ्रेंच, जर्मन, यार ये सब सीख जाएंगे, हमारा भी कुछ लैंग्वेज सिखाओ, वी आर इंडियंस। और ये कहाँ से शुरू होती है, हम एक लास्ट चर्चा करते हैं उसके बाद स्टॉप करते हैं। ये हमारा स्टार्ट होता है जब बच्चा बाहर निकल जाता है हॉस्पिटल के झूले में, स्विंग में, फर्स्ट डे जैसे ही निकलता है विद इन सेकेंड्स, जब नर्स उसको नहला के लेके आती है कपड़े में बांध के, तुरंत हम स्टार्ट हो जाते हैं, ओ बेबी हाउ आर यू, हाउ क्यूट यू आर, ओ माय गॉड, सुनो सी सी ऑल फीचर्स नाइस, नोज, आईज, एवरीथिंग लाइक यू, ओनली माय गॉड, ओ गॉड। और हस्बैंड क्या बोलता है वैसे, थैंक यू सो मच, यू गिवन मी अ वेरी नाइस गिफ्ट, ओ माय गॉड थैंक यू, और वह भी थैंक यू हबी, थैंक यू हबी। तो ऑब्वियसली जब पैदा हुआ आपने उसको इंग्लिश से ही इंट्रोड्यूस करवाया, तो कैसे सोच सकते हैं कि हिंदी आ जाए एग्जाम में। तो करो मेहनत, ठीक है। ऐसे ही अब कुछ चर्चा में हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। आप मेरे को बताइए कि ये वीडियो में आपके कोई भी ओपिनियंस हैं, थॉट्स हैं, आप सही है या फिर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, तो प्लीज 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 कमेंट्स जरूर कीजिए। आपके कमेंट्स के लिए हम वेट करते रहेंगे और फिर से मिलेंगे एक और चाय की चर्चा के